ब्लॉगिंग चैनल व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के साथ ब्राइडल हेयर स्टाइल शेयर करूँगी जो कि बहुत इजी मैं वे में आपको बताऊँगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, एयर टू एयर सेक्शन करना है, इस तरीके से पार्टीशन करना है आपने, ठीक है। आपने इस तरीके से सेक्शन करने के बाद आपने इधर हाई पोनी बनानी है डोनट सेटिंग के लिए। यहाँ से हम थोड़ा सा सेक्शन निकालेंगे क्योंकि हमें इसे थोड़ी एडजस्टमेंट करनी होगी, वो मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपने किस तरीके से करनी है। मेरे पास मीडियम साइज़ का डोनट है जिसको मैं यहाँ पे सेट करूँगी, पोनी मैंने बना ली थी, अब आपने इसमें ऐसे सेट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने सेटिंग करनी है, बहुत फिनिशिंग के साथ आपने वर्किंग करनी है। इस तरीके से आपने इसको शेप देके यहाँ पर भी आप पोनी से इसको फिक्स करेंगे। बहुत ईजी हेयर स्टाइल है जो कि आप ब्राइडल में बना सकते हैं। ब्राइडल हेयर स्टाइल के लिए बहुत जो है ईजी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से फिक्स करने के बाद यहाँ पे सिंपल छोटी बनानी है जो हमारे पास हेयर रह गए हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, इस तरीके से आपने सिंपल छोटी बनाकर आपने इसको एडजस्ट करना है। व्यूअर्स वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आप कोई भी टेक्निक मिस ना करें, ठीक है। अब मैंने जो है ब्रेड बना ली है, अब हम इसको इसके अराउंड इस तरीके से फिक्स कर लेंगे ताकि हमारा ये डोनट भी अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जुड़ा पिन की हेल्प से आप इसको इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फोर साइड्स पे आपने इसके इस तरीके से फिक्स करना है, इससे हमारा डोनट जो होगा वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा और वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सेंटर पार्टीशन करना है, ठीक है। सेंटर पार्टीशन करके आपने इसमें मांगटी का एडजस्ट करना है, बहुत ईजी वे में मैं आपको बिंदिया सेट करना बताऊँगी, जो कि हमेशा लोगों के लिए होता है मसला कि हमारी बिंदिया निकल जाती है, लूज़ हो जाती है, तो हमें उसको बहुत अच्छे से फिक्स करना होता है। फिक्स करने के लिए क्या करना होता है, आप सबसे पहले जो है इसमें इनविजिबल सेट करनी होती है, जो कि मैंने कर लिया, बट मैं इसमें एक और एडजस्ट करूँगी। मैंने इसमें एक और इनविजिबल एडजस्ट कर ली थी, अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ पर फिक्स करेंगे। यहाँ फिक्स करने से पहले हमने क्या करना है, नेचुरल वैक्यूमिंग करेंगे। इतना छोटा सा आपने सेक्शन लेना है, ठीक है। इतना छोटा सा आप सेक्शन आगे से लेंगी और आपने इसमें वैक्यूम करना है। किस तरीके से करना है, इस तरीके से आपने रूट्स पर आपने वैक्यूमिंग करनी है ताकि हमारी यहाँ पे बिंदी अच्छे से एडजस्ट हो जाए। बहुत इजी रहता है, अगर हम यहाँ वैक्यूम कर लेते हैं तो हमारी बिंदी अपनी जगह से नहीं हिलती, लूज़ नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके अंदर से इसको फिक्स करना है। ये देखें आप, हमारी बिंदियाँ कितनी अच्छे से फिक्स हो गई और वैक्यूमिंग की वजह से यहाँ से ये हिलेगी नहीं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से सेक्शन लेना है, ठीक है, और हम यहाँ से भी लाइट लाइट वैक्यूम करेंगे इसको रूट्स के साइड्स पे, ताकि हमारी यहाँ से भी बिंदिया जो है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए, आगे पीछे इधर उधर ना घूमें, ठीक है। इस तरीके से अब आपने क्या करना है, यहाँ से सेक्शन साइड सेक्शन लेना है। साइड सेक्शन में किस तरीके से लूँगी, मैंने थोड़ा सा वेव में लुक देना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देना है हेयर स्टाइल को। आपने इस तरीके से लाइट लाइट सा वेव देना है, ये देख सकते हैं आप, सेक्शन हेड डाउन करें, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। इसमें हमारी लाइंस भी क्रिएट होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपने यहाँ से सेक्शन लेना है, ठीक है। मैं आप लोग को लेयर्स जो है एडजस्टमेंट करना बताऊंगी, ब्राइडल लुक में आप किस तरीके से लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, उसका लुक कितना प्यारा आता है आप लोगों को पता ही होगा कि उससे बहुत स्मूथ लुक आ रहा होता है हमारा हेयर स्टाइल का, ठीक है। आपने इस तरीके से सेक्शन लेना है, मैंने इसमें कोई वैक्यूमिंग नहीं करी, बट मैंने इसमें लाइट लाइट नेचुरल से क्रिम्पिंग करके और उसमें लाइट लाइट आयरन कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट फिंगर्स पे और मेरी एडजस्टमेंट पर फोकस करना है, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से अप्ले कराना है, देन आपने इसको इस तरीके से सेटिंग करते हुए इसको फिंगर्स की एडजस्टमेंट पे आपने इसको सेट करना है इस तरीके से। ये देखें आप इसका लुक, आप लाइंस चेक करिए कितनी अच्छी स्मूथ हमारी बनी। इसको ऐसे रखते हुए हमने इसको यहाँ से एडजस्ट करना है, बहुत इजी है, फोकस करिएगा टेक्निक्स पर, इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे आप लोग को बहुत पसंद आएगा। बहुत ईजी ब्राइडल हेयर स्टाइल है जो कि आप निकाह लुक में भी बना सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे एडजस्ट करना है, देन आप यहाँ पर आएंगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से भी आपने इसको लेना है, ऐसे भी सेक्शन लेना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने पार्टीशन कैसा किया है। अब आपने यहाँ पे लाइट सी नेचुरल वैक्यूमिंग करनी है, देन आपने इसको फिनिशिंग देनी है और फिंगर्स की ही हेल्प से आपने इसको एडजस्ट करना है। फिंगर्स की एडजस्टमेंट आपकी सब मैटर करती है, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से फिंगर्स को एडजस्ट किया और उसमें किस तरीके से वेव्स हमारे आए, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से ही एडजस्ट करेंगे, बहुत ईजी आपको मैं सेक्शन जो है एडजस्ट करना बता रही हूँ, तरीके से आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। बहुत इजी है ये, आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, देन आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। आप इसको बिल्कुल लाइट हैंड से ही एडजस्टमेंट करें ताकि आपकी कोई भी वेव्स ख़राब नहीं हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सेक्शन ने किस तरीके से एडजस्ट किया है, ये वाला सेक्शन भी मेरे पास है बट मैं इसको अभी एडजस्ट नहीं करूँगी, पहले हम फ्रंट पर आएँगे। फ्रंट का सेक्शन लेना है, इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर आप नेचुरल वैक्यूम करेंगी, ठीक है, और उसको फिनिशिंग देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने फिनिशिंग देनी है, ठीक है। लाइट लाइट ऑफ फिनिशिंग देके इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, फिंगर्स से ही आपने इसकी लाइंस क्रिएट करनी है, ठीक है। बहुत इजी वे में आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखें आप,
आपने इसको इस तरीके से ला के एडजस्ट करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगी, अब आपने यहाँ से इसको सेक्शन लेना है। ठीक है, इसमें इसको भी टू में डिवाइड करना है और इसमें भी आप इस तरीके से लेयर बनाएंगी और आप इसको ऐसे ही इसके ऊपर से एडजस्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ से आपने सेक्शन लेना है, यहाँ से भी आप इसको इस तरीके से लूज में लेकर आएंगी और इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगी। ये हमारा बहुत स्टाइलिश सा ब्राइडल हेयर स्टाइल है जो कि आप निकाह ब्राइड में बना सकते हैं और वेडिंग ब्राइड में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट सेक्शन है हमारा, हम इसको भी इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे पूरा। ठीक है, और इसको इसी तरीके से हम इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं आप इसका लुक, कितना अच्छा वेव्स हमारे आ रहे हैं। आप लोग को हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है। सो व्यूअर्स, अब अपने यहाँ वाली साइड पे भी सेक्शन इस तरीके से करना है और इसमें हमने किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, पहले हम इसको यहाँ से लूज बैकॉम करेंगे इस तरीके से बिल्कुल लाइट सा। अब आपने क्या करना है, इसको भी लेना है लाइट सा, आप इधर भी बैकॉम करेंगी इस तरीके से बिल्कुल लाइट। ठीक है, वन साइड वन टाइम मैंने इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से। और अब आप क्या करेंगी, इसको इस तरीके से लेयर्स में इसी तरीके से आप इसको सेट करेंगी। ठीक है, आप फिंगर्स की देखें मैं किस तरीके से फिंगर्स में ही मैं अपनी लेयर्स क्रिएट कर रही हूँ और उसको अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। ठीक है, बहुत इजी है ये ब्राइडल हेयर स्टाइल। जब आपने इसको यहाँ से भी लेना है और यहाँ से आप इसको इस तरीके से पूरे ही सेक्शन को लेंगी। इस तरीके से हमने बैकग्राउंड पूरा कर लिया था, अब इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगी पूरा। ठीक है, और इसको यहाँ पे अच्छे से हेयर पिन की हेल्प से इसको फिक्स कर देंगी। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आप पूरा आपने छोड़ना नहीं है, साथ साथ एडजस्टमेंट करनी है। हेयर्स हमारा डन हो चुका है फ्रेंड का। अब हमारे पास जो ये वाले बैक पे हेयर्स हैं इनको हम अच्छे से ट्विस्ट करके भी इसको इस तरीके से ट्विस्ट करके हम इसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि बैक साइड से हमारा जो है हम फ्लावर से गजरे वगैरह से भी इसको फिक्स करेंगे तो वो भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, और दुपट्टा तो हम सर पे सेट करते हैं तो फिर उससे हमारा हेयर स्टाइल वैसे ही हाइड हो जाता है, बैक से कोई भी मसला नहीं होता। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा हेयर्स हों आप उसको इस तरीके से फिक्स करें। आप लोग देख सकते हैं हमारा हेयर स्टाइल डन हो चुका है और कितनी अच्छी हमारी लेयर्स एडजस्ट हुई हैं। आप फ्रंट से बैक से भी एडजस्टमेंट देख सकते हैं मैंने कितनी फिनिशिंग के साथ एडजस्टमेंट की है। आज का मेरा हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।